अनंत से बीजेपी नेता और बागेश्वर धाम के बीच खिंची तलवारें तो हो गया हंगामा। बीजेपी नेता बोला, सुंदर महिलाओं को देखते हैं पंडित तो बागेश्वर धाम के विरोध के बाद बीजेपी दो खेमों में बटी। बीजेपी के दो कोर वोटर्स ही एक बयान के बम से अलग अलग गुटों में बटे और पार्टी के खिलाफ ही खोल दिया मोर्चा। ब्राह्मणों पर बीजेपी के नेता ने की अभद्र टिप्पणी तो आलाकमान के एक्शन के बाद पार्टी में हो गया दो फाड़। राजनीति में जात धर्म और धर्म गुरुओं का तड़का जब जब लगता है तब तब सत्ता के गलियारों में हंगामा बरपा है। खासकर इस तगड़े से बीजेपी को जमकर फायदा मिला है, लेकिन पहली बार बीजेपी इस तगड़े से दो फाड़ दिख रही है। उमा भारती समर्थकों ने तो बीजेपी आलाकमान को ही ललकार दिया है। दरअसल बीजेपी के एक नेता ने ब्राह्मणों को लेकर अभद्र टिप्पणी की तो फिर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने बीजेपी नेता को मसल डालने की धमकी दे डाली। पंडितों पर टिप्पणी से बीजेपी आलाकमान भी अपने ओबीसी नेता से खफा दिखने और एक्शन ले लिया। जैसे ही एक्शन हुआ तो फिर बीजेपी में ही दो फाड़ हो गए और अब पार्टी में एक तरफ सवर्ण वोटर्स हैं तो दूसरी तरफ ओबीसी वोटर्स और ओबीसी नेता हैं। स्थितियां ये हो गई हैं कि अब एक तरफ से FIR लिखवाई जा रही है तो वहीं दूसरी तरफ से प्रदर्शन को दौर चल रहा है। विवाद बीजेपी नेता प्रीतम सिंह लोधी के बयान से शुरू हुआ और फिर बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने इसमें एंट्री ले ली। बीजेपी नेता का बयान था कि पंडित 8-8 घंटे पागल बनाते हैं और महिलाओं पर गलत नजर डालते हैं, जिसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने मोर्चा खोला और कहा कि एक तथा कथित नेता का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण रोज रोज 8-8 घंटे कथा वाचन करते हैं और सार क्या निकलता है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि अगर कथा ब्राह्मण और व्यास नहीं होती तो कोई अपने पिता को नहीं पहचान पाता और पूरा संसार भगवान राम और कृष्ण के बारे में ही नहीं जान पाता। इस संसार को ब्राह्मणों और कथावाचकों की जरूरत है, ऐसे लोग पाखंड फैला रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने गुस्से होते हुए कहा है कि मुझे मिल गया तो उसे मसल दूंगा। दरअसल बीते दिनों पूर्व बीजेपी नेता प्रीतम लोधी ने 17 अगस्त को बदरबास के खरे गांव में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि पंडित 7-8 घंटे आपको पागल बनाएगा, हम पागल बनते भी हैं। वो कहेगा जितना दान दोगे ऊपर वाला आपको देगा। घर की महिलाएं घी शक्कर दालें पंडितों को दे आएंगी और अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगी। प्रीतम लोधी ने यह भी कहा था कि पंडित घर की सुंदर महिलाओं पर बुरी नजर रखते हैं। प्रीतम लोधी के बयान पर हंगामा हो गया। ब्राह्मण समाज में प्रीतम लोधी के बयान के खिलाफ भारी गुस्सा देखा गया है। ब्राह्मण समाज और सब समाज के लोगों ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक से मिलकर प्रीतम लोधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी। ब्राह्मण समाज ने कार्रवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। हंगामा बढ़ते देख बीजेपी ने प्रीतम लोधी को तलब किया और बयान पर स्पष्टीकरण मांगा। बाद में प्रीतम लोधी ने अपने बयान पर माफी भी मांगी, लेकिन बीजेपी ने प्रीतम लोधी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। अब स्थितियां ये हैं कि प्रीतम लोधी के पक्ष में ही बीजेपी के ओबीसी नेता उतर आए हैं और प्रीतम लोधी के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी के सवर्ण नेता इसे गलत बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में दिख रहा दो फाड़ अब कहीं ना कहीं पार्टी के लिए भारी पड़ता दिख रहा है और जमकर हंगामा बरप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट।